एक दुखद घटना हुई है थाना कोतवाली में। आज लगभग 2:50 मिनट के आसपास एक जो सूचना दी गई है वहां के सीओ वहां के एसएचओ द्वारा कि थाने के सीसीटीएनएस कार्यालय में एक उपनिरीक्षक श्री मनोज कुमार की पिस्टल से, ये सरकारी असलह से, वो भी देखना है पिस्टल है कि रिवॉल्वर है, उससे फायर हुआ है। और एक महिला जो कि वहां पर किसी कार्य से, बताया गया पासपोर्ट वेरिफिकेशन के कार्य से आई थी और आसपास खड़ी थी, उसके गोली लगी है, उसके हेड इंजरी है और उसको घायल अवस्था में यहाँ अस्पताल लाया गया है। यहाँ इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम द्वारा उसको अटेंड कराया जा रहा है। कहाँ लगी है गोली? इसके गोली इसके बैक ऑफ द हेड में साइड की तरफ लगी है और उसको अभी डॉक्टर लोग अटेंड कर रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है इस मेडिकल कॉलेज में उसको दिया जा रहा है। फिलहाल मौके पर जो है तत्काल वहाँ पर सीओ आदि को भेजा गया है, जो भी फुटेज वगैरह आदि है उसको कलेक्ट करने के लिए कह दिया गया है। जो भी घर वाले तहरीर देते हैं उसमें वैधानिक कार्रवाई यकीनन इस पर सुनिश्चित की जाएगी और ये जो भी लापरवाही दरोगा द्वारा हुई है उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और आपराधिक कृत्य में की श्रेणी में आएगा। ये स्पष्ट नहीं है, ये इस फुटेज से स्पष्ट हो पाएगा अज्ञात कारणों से, अभी तक कारण अज्ञात है जिसको हम स्पष्ट करेंगे। थाना कार्यालय के अन्य सिपाही भी आसपास खड़े थे, हालांकि वो बच गए, उनको कुछ ऐसी मतलब वो इससे आहत नहीं हुए हैं, लेकिन महिला जरूर आहत हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर वैधानिक कार्रवाई के भी आदेश दिए गए। दरोगा कहाँ है? दरोगा अभी मौजूद नहीं है थाने पे, उसको हम लोग अभी, उसके लिए भी टीम लगा दी गई है, यदि वो फरार है तो उसको अभी हम कुछ ही देर में कोशिश करेंगे कि उसको डिटेन करेंगे। तो ये घटनाक्रम है, अभी कुछ ही देर पहले का घटनाक्रम है, इससे आगे की जितनी बातें हैं मैं जल्दी आपको स्पष्ट कर